शुरुआत करिए फटाफट खबरोनी। राज्य सरकारे सत्तावार कृषि राहत की रकम जाहिर करी। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर माटे रकम जाहिर। प्रति हेक्टर 13,000 ની સહાય મળશે। પેકેજ અંગે વિસ્તૃત માહિતી કેબિનેટ બેઠક બાદ આપવામાં આવશે। 25 ઓક્ટોબર થી 20 નવેમ્બર સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે। પોતાના પડતર પ્રશ્નો અંગે એસટી નિગમના કર્મચારીઓ અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી વચ્ચે યોજાઈ બેઠક। કેટલાક પ્રશ્નો ઉકેલાયા, કેટલાક મુદ્દે સમાધાન ન થતા હડતાલ યથાવત। पेट्रोल डीजल भाव थे बेकाबू। आज देश में पेट्रोल डीजल भाव में 35-35 पैसा वारो। दिल्ली में पेट्रोल भाव 106 ने पार थो, जयरे मुंबई में पेट्रोल भाव 112 ने पार। मध्यप्रदेश बालाघाट जिले में पेट्रोल भाव 117 ने पार थो। ईंधन भाव थी लोग उतराही। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर प्रभावित विस्तारों हवाई सर्वेक्षण कर। रामनगर, बाजपुर, किच्चा, सितारगंज पूर प्रभावित विस्तारों में कर हवाई सर्वेक्षण। सर्वेक्षण समय उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार हाजर। उत्तराखंड में कुदरते दबाई मचावी। अत्यार सुधी में कुल 47 लोगों की मौत निपजी। मृतकों परिवारजनों ने सरकार आपसे 4 लाख की सहाय। जेमणे पोतानुं घर गुमाव्युं तेमणे 1.9 लाख रूपया आपवामां आवशे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीए करी जाहेरात। फसायेला लोकोने रेस्क्यू करवानी कामगीरी यथावत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए उत्तराखंड में थयेली तबाही पर ट्वीट कर्युं। जणाव्युं के भारे वरसादने कारणे थयेली जानहानिथी दुखी छू। इजाग्रस्तो जल्दीथी स्वस्थ थाय ते माटे प्रार्थना करू छू। असरग्रस्तोनी मदद माटे बचाव कामगीरी चाली रही छे। उत्तराखंड नैनीताल में भयानक पूर वच्चे जवानों लोगों जीव बचाव्यो। मानव साकड़ रचीने धसमसता पूर वच्चे लोगों जीव बचाव्यो। स्थानिकों ने बचावा जवानों पोतानो जीव जोखम में मूक्यो। दक्षिण गुजरात प्रवासी उत्तराखंड में हेमखेम। सूरत थी उत्तराखंड ने उपड़ी थी बस। उत्तराखंड में भारे वरसाद थी फसाया छे गुजरातीओ। केरळना इडुकी डेमना दरवाजा खोलवामां आव्या। समग्र विस्तार में भारे वरसाद ने कारणे दरवाजा खोलवामां आव्या। डेमना जलस्तर में वधारो थता नीचाणवाळा विस्तारों ने अलर्ट आपवामां आव्यो। उत्तर प्रदेश आगरा में बिनमौसमी वरसाद पड़ता खेडूतोना पाक ने भारे नुकसान थयो। भारे वरसाद ने कारणे खेतरो में पाणी भराई गया। खेडूतोए सरकार पासे सहायनी करी मांग। नेपाळमां धोधमार वरसाद ने कारणे ठेर ठेर नुकसान थयुं। अनेक विस्तारों में पूरनी स्थिति। सतत पड़ेला वरसाद ने कारणे कुल 21 लोगों की मौत। जयरे 24 लोग गुम थे। पहाड़ी विस्तारों में भूस्खलन ने कारणे रस्ताओ थे बंद। रेस्क्यू कामगीरी हाथ धरवामां आवी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उद्घाटन करते। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया उपस्थित रहते। आंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आज सप्ताह थी कार्यरत थे। साथ देश नौ मेडिकल कॉलेजों की भेट आपसे पीएम मोदी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पोतना कुलदेवी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आपसे हाजरी। गांधीनगर मणसा में बनेला मां बहुचन भव्य मंदिर ने आज थे प्राण प्रतिष्ठा। अमदावादना शाहीबाग स्वामीनारायण मंदिर ने गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए मुलाकात लीधी। हर्ष संघवीए मंदिर ने शुभेच्छा मुलाकात लीधी। स्वामी ब्रह्म विहारी साथ करी मुलाकात। महाराष्ट्र में हवे रात्रि 12 वाग्या सुधी होटल रेस्टोरेंट खुला राखी शकाशे। होटल मालिकोए पण राज्य सरकार आ निर्णय ने आवकार्यो छे। होटल मालिकोए जणाव्यु के तेओ राज्य सरकारे जाहेर करेला तमाम कोरोनाना नियमोनुं चुस्तपणे पालन करशे। पंजाबना पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवी पार्टी बनावशे। अमरिंदर सिंह जणाव्यु कि नवी पार्टी पंजाबना लोको अने खेडूतोना विकास माटे काम करशे। पंजाबना भविष्य माटे लड़ाई चालू राखीशे। राजस्थान जोधपुर में कांग्रेस धारासभ्य मीना कंवरे पुलिस स्टेशन में कर धरना। धारासभ्य सगा पर दारू पीने ड्राइविंग करने आरोप में कर अटकायत। सगा ने छुड़ावा धारासभ्य कर पुलिस स्टेशन में धरना। जम्मू काश्मीर श्रीनगर लाल चौक में सुरक्षा में कराया वधारो। लाल चौक में सुरक्षा में सीआरपीएफ की महिला कर्मचारी ने तैनात कराई। जम्मू काश्मीर हाल की स्थिति ने ध्यान में रखता सुरक्षा में कराया वधारो। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्राए शलीन चोपड़ा सामे 50 करोड़ की मानहानि केस करो। अगाउ शलीन चोपड़ाए राज कुंद्रा सामे छेतरपिंडी और धमकी आपवा बदल करी फरियाद। दिल्ली में परिवहन विकारे पेट्रोल पंप पर एन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करी। मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट वगरना वाहनों समय ड्राइव शुरू। परिवहन विकास विभाग अधिकारी अनुज भारतीय ने जणाव्यु कि मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट वगरना वाहनों ने अमे ई चलन मोकलीशुं।
કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીએ લખનૌમાં કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 40% મહિલાઓને ટિકિટ આપશે. આ નિર્ણય તે તમામ મહિલાઓ માટે છે જે ઉત્તર પ્રદેશમાં પરિવર્તન ઇચ્છે છે. ઉત્તર પ્રદેશની કુલ 403 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 161 પર મહિલા ઉતારવાને મેદાનમાં ઉતારશે.